यूपी के बदायूं जिले से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां सपा के पूर्व विधायक आबिद रजा के मैरिज हॉल पर प्रशासन का बुलडोजर जारी है। बताया जाता है कि आबिद रजा ने सोत नदी पर अवैध कब्जा कर मैरिज हॉल बनवाया था। आबिद रजा सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के करीबी लोगों में है। पूर्व विधायक आबिद रजा के मैरिज हॉल को गिराता बुलडोजर। मैरिज हॉल पर कार्यवाही का आश्वासन रविवार को सिंचाई मंत्री ने दिया था। इसके बाद सोमवार सुबह कार्यवाही की प्रक्रिया प्रशासन ने शुरू कर दी। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि सपा के पूर्व विधायक को नोटिस भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपना अवैध निर्माण नहीं गिराया। इसके बाद जिला प्रशासन ने ये उचित कार्यवाही की है। आपको बता दें, अंत में बदायूं के सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता ने सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह को पूरा प्रकरण बताया। मंत्री के निर्देश पर सिंचाई विभाग भी सक्रिय हुआ। सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय से आबिद रजा के भवन के विरुद्ध आदेश पारित कर दिया गया, जिसके विरोध में आबिद रजा ने जिलाधिकारी के न्यायालय में अपील दायर की थी। सुनवाई के बाद जिलाधिकारी ने आबिद रजा की अपील 22 सितंबर को निरस्त कर दी, जिससे सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया आदेश प्रभावी हो गया। जिलाधिकारी न्यायालय से 30 दिन का समय दिया गया था। इस दौरान आबिद रजा ने भवन नहीं तोड़ा, जिसमें आज प्रशासन ने स्वयं भवन तोड़ दिया। पूर्व विधायक हैं और मंत्री भी रहे हैं, शायद दर्जा राज्य मंत्री, उनका एक आवास आप खसाए डाल रहे हैं, क्या है पूरा मामला? इसमें ये है कि इनके द्वारा जो है डूब क्षेत्र में, इनके द्वारा डूब क्षेत्र में, जो डूब क्षेत्र है, बाढ़ क्षेत्र है ये, इनके द्वारा ये गाटा संख्या 2337 और 8 नंबर है, इसमें इनके द्वारा जो है ये बाढ़ क्षेत्र में अवैध निर्माण जो है वो बनाया गया था, जिसमें कि सिटी मजिस्ट्रेट ने 29/11/2017 को ये डिमोलिश का आदेश किया था। इसके बाद जो इन्होंने प्राप्त पत्र अनुरोध पत्र दिया, लेकिन चूंकि ये बाढ़ क्षेत्र में होने के कारण जो है वो इनको इनका जो अवैध इलीगल था वो इसको गिराना ही था। इनको 30 दिन का समय भी दिया गया, लेकिन इनके द्वारा फिर भी नहीं गिराया गया। अंतोगत्वा ये अपील में आए डीएम साहब के यहाँ, और डीएम साहब ने जो है इसमें अपील में सुनवाई की, और उन्होंने ये पाया कि 29/11/17 का जो सिटी मजिस्ट्रेट ने आदेश किया है वो सही है, उसकी पुष्टि की गई। और अंत में डीएम साहब ने 22/10/2018 को एक आदेश पारित किया गया कि जो है सिटी मजिस्ट्रेट का आदेश सही है और जो उनके द्वारा सही किया गया लीगली किया गया है, और इसको जो है किराया जाना उचित है। ये अब जैसे उनका दूसरा पक्ष है, उनका ये कहना है कि जो अभी 22 तारीख को आदेश हुआ उसके बाद हमें पूरा पर्याप्त समय नहीं दिया गया। नहीं नहीं, समय की जहाँ तक बात है वो इसमें यह है कि उनके द्वारा नकल ले ली गई है, और इनको समय पहले पूर्व में बहुत समय दिया गया है। इनको सिटी मजिस्ट्रेट ने पहले कहा कि 30 दिन, जब 17 से और आज 18 हो गई, तो एक वर्ष का समय इनका बहुत था। अभी 22 से बार बार समय नहीं दिया जाता है। ये अब आज पूरा ध्वस्त किया जाएगा, क्या किया जाएगा? अब ये तो पूरा ध्वस्ती होगा, जो कि इनके द्वारा क्या है, पूरा ध्वस्ती होगा इसका।